नमस्कार दोस्तों, सुधा की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी रसोई में बनने जा रहा है ब्रोकली की सब्जी एकदम देसी स्टाइल में, जिसे हम हरे गोभी के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, ब्रोकली हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि ब्रोकली में हाई फाइबर और विटामिन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत रहता है। तो एक बार ब्रोकली की सब्जी मेरे तरीके से जरूर बनाकर खाइए और अपना कमेंट शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और घंटी का बटन जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं, वह आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अब वीडियो को लंबा ना करते हुए, हमें ब्रोकली की सब्जी बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, मैं वह आपको बता देती हूँ। जिसमें मैंने सबसे पहले लिया है 1/2 किलो ब्रोकली, जिसको मैंने धुलकर छोटे छोटे पीस में काट कर ले लिया है। फिर उसके बाद मैंने लिया है 3 कटा हुआ आलू, 2 कटे हुए टमाटर, 1 कटा हुआ प्याज, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया, 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा तेल और 2 कटी हुई हरी मिर्च मैंने ले लिया है। दोस्तों, आज हम सब्जी में पीसे हुए मसाले का घोल बनाकर डालेंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले मसाले का घोल तैयार कर लेना है। जिसके लिए हम एक कटोरी में पीसे हुए मसाले डालेंगे, जिसमें हम पहले 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच सब्जी मसाला, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हींग पाउडर डालकर हम सारे मसाले को मिलाएंगे। फिर मिलाने के बाद हम मसाले में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार कर लेंगे। दोस्तों, अब हमारे मसाले का घोल तैयार हो गया है। फिर हम ब्रोकली और आलू को तेल में फ्राई करेंगे, जिसके लिए हम पहले गैस जला के कढ़ाई को गैस पर रखकर हम कढ़ाई में 50 ml के करीब तेल डालेंगे गरम होने के लिए। दोस्तों, अब हमारा तेल गरम हो गया है। फिर हम तेल में ब्रोकली डालकर ब्रोकली को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि हमारे ब्रोकली का कलर हल्का चेंज नहीं हो जाता। दोस्तों, अब हमारे ब्रोकली का हल्का कलर चेंज हो गया है। फिर हम ब्रोकली को एक प्लेट में निकाल कर ले लेंगे। अब मैंने ब्रोकली को तेल में फ्राई करके ले लिया है। फिर उसके बाद हम तेल में कटे हुए आलू डालकर आलू को भी हल्का गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, अब हमारा आलू भी तेल में हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। फिर हम आलू को भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों, फाइनली अब हम ब्रोकली की सब्जी बनाएंगे, जिसके लिए हम यही कढ़ाई यूज करेंगे। दोस्तों, हमारा तेल तो पहले से ही गर्म है। फिर हम तेल में 1 चम्मच जीरा, कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्च और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हम प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। दोस्तों, अब हमारा प्याज हल्का सुनहरे कलर का हो गया है। फिर हम कढ़ाई में घुला हुआ मसाला डालकर हम मसाले को तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे मसाले अच्छी तरह से तेल न छोड़ने लगे। दोस्तों, अब हमारे मसाले अच्छी तरह से तेल छोड़ने लगे हैं और मसालों से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। इसका मतलब अब हमारे मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं। फिर हम मसालों में अपने कटे हुए टमाटर और थोड़ा सा नमक डालकर हम मिलाएंगे। और मिलाने के बाद हम कढ़ाई को 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, ताकि हमारा टमाटर थोड़ा गल जाए। अब 5 मिनट हो गया है। फिर हम ढक्कन हटाकर देख लेते हैं कि हमारा टमाटर गला हुआ है या नहीं। दोस्तों, जैसा कि मैं ढक्कन हटाकर देख रही हूँ, हमारा टमाटर अच्छी तरह से गल चुका है, जैसा हम चाहते थे। फिर हम कढ़ाई में फ्राई किए हुए आलू और ब्रोकली डालकर हम मसालों में अच्छी तरह से मिलाएंगे। दोस्तों, अब मैंने ब्रोकली और आलू को
मसालों में अच्छी तरह से मिला लिया है। फिर उसके बाद हम कढ़ाई में एक कटोरी पानी डालकर थोड़ा चलाएंगे और चलाने के बाद हम सब्जी में स्वादानुसार नमक डालकर थोड़ा मिलाएंगे। फिर मिलाने के बाद हम कढ़ाई को 12 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि हमारी सब्जी अच्छी तरह से पक जाए। और दोस्तों हमें ध्यान रहे सब्जी को बीच बीच में चलाते भी रहना है, नहीं तो हमारी सब्जी नीचे से जल जाएगी। दोस्तों अब 15 मिनट हो गया है, हम ढक्कन हटाकर सब्जी को थोड़ा चलाएंगे और चलाने के बाद हम सब्जी में बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर हम गैस को बंद कर देंगे। दोस्तों अब हमारी स्पाइसी ब्रोकली की सब्जी बनकर तैयार है। और दोस्तों कभी भी आपको ब्रोकली की सब्जी खाने का मन करे तो एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाकर खाइए और अपना कमेंट जरूर शेयर कीजिए कि आपको ब्रोकली की सब्जी कैसी लगी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।